कोरोना ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। अब इसकी जद में पुलिस भी आ गई है। पुलिस विभाग के 3 CSP और 7 थाना प्रभारी कोरोना बीमारी से ग्रस्त हैं। इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आला अधिकारी द्वारा इनके इलाज पर निगाहें रखी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी, उस दौरान भी कई पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसकी चपेट में आए थे और कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इस बार फिर से 3 CSP और 7 TI कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जिले के 7 TI कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, जबकि पश्चिम क्षेत्र के 3 CSP को कोरोना ने घेर लिया है। देखिए, अभी तक तो इसमें देखा जाए तो विजयनगर थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, परदेसीपुरा थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हैं, कोतवाली थाना प्रभारी हैं वो भी संक्रमित हैं। तो अब संक्रमण जो है फैल तो रहा ही है, लेकिन इसके बाद भी सभी की स्थिति जो है कंट्रोल में है, नॉर्मल है। हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं उनसे और उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जो भी उनको सुविधा चाहिए है, वो सब उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। हम कैसे अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुद को सुरक्षित रखें, ताकि हम समाज को सुरक्षित रखने में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें। मुझे ये कहते हुए खुशी और गर्व है कि मेरे साथी अधिकारी और जवान इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्राणपण से इंदौर शहर के आम जन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से जितना कर सकते हैं, शायद उससे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। मैं अपने साथी अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि विभाग उनके साथ है। किसी को भी किसी भी परिस्थिति में ये महसूस नहीं होगा कि वो अकेला है। हम सब मिलकर बहुत जल्दी इस पर विजय प्राप्त।